आज का टॉपिक है कि आपकी भाषा आपको सफलता की तरफ या असफलता की तरफ कैसी लेकर जा सकती है। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स हैं। काफ़ी सारे लोग हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, पूछते रहते हैं, हमारे तरफ काउंसिलिंग के लिए आते रहते हैं। ये वीडियो में डालता हूँ, उसमें भी काफ़ी लोग उनके कमेंट्स डालते रहते हैं, पूछते रहते सवाल। उसमें से ये है कि भाई, हमारी भाषा का इस्तेमाल, प्रयोग मैंने कैसा करना चाहिए और हमारी भाषा कैसी हमको सफलता या असफलता दिला सकती है, इसके बारे में लोग पूछते हैं। तो वो मैं आप बताने वाला हूँ। क्या होता है कि आप समझ चलो कि दो व्यक्ति है, दोनों को ही कपड़े की दुकान है। उन्होंने छोटी दुकान थी, उसमें अर्न किया, जो अर्न किया उसमें री इन्वेस्ट किया और बड़ी दुकान कर लिया। कुछ ऐसा क्षण आ गया कि एक रात में दुकान को आग लग गई, जल गई, दोनों दुकान खलास, एकदम रास्ते पे दोनों आ गए। अब रास्ते पे आने के बाद में अभी जो पहला व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है वो बोलता है कि अभी तो मैं बर्बाद हो गया, मेरे तो पूरे जीवन की कमाई मैंने इसमें डाल दिया, अब तो कुछ नहीं रहा, मेरे इतने साल चले गए, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये व्यक्ति अपनी भाषा का प्रयोग अपने आप को डाउन करने में लगाता है, अपने आप से वो ऐसी बातचीत करता है, अभी तो कुछ संभव नहीं, अभी कुछ नहीं होगा, मैं बर्बाद हो गया। दूसरा व्यक्ति जो है बोलता है कि ठीक है, जो हो गया हो गया, अभी भगवान ने मुझे मौका दिया कि मेरी टैलेंट प्रूव करने का, अभी भगवान ने मुझे मौका दिया कि अभी मैं इससे भी ऊपर उठ के आ सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ, जो हुआ है वो तो हुआ ही है। और वो तुरंत दूसरे दिन अपने दुकान के सामने ही रास्ते पे अपना दुकान चालू कर देता है। नेक्स्ट डे होता, जो हो गया हो गया। तो उसकी भाषा जो है वो बोलती है कि नहीं, मेरे लिए कुछ भी संभव है, जो हो गया वो अतीत में हुआ, अभी मेरे सामने यह है कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो अभी मैं मेरा माल बेच सकता हूँ, नया माल खरीद के, वो भी जो था वो तो पूरा जल गया है, वो नया माल लाता है, रास्ते पे दुकान डालता है और बेचना चालू कर देता है। और दूसरा, पहला जो था वो क्या करता है कि अभी मैं बर्बाद हो गया, रोते रहता है, अपना सीना मतलब पीट के लेता है, बैठता है, अभी कुछ नहीं कर सकता, खुदकुशी विचार आ रहे, अभी तो मैं मर जाऊँगा, कुछ नहीं होऊंगा। तो आपको इसमें देखना है कि आप, आपत्ति जब आती है तो आपत्ति के समय आपकी भाषा का इस्तेमाल आप कैसे करते हो, वो लैंग्वेज को कैसा वापरते हो, आप अपने आप से क्या बातचीत करते हो, और जब बात आप अपने आप से करेंगे वो बातचीत डिसाइड करेंगे कि आपकी एक्शन कौन सी होगी। क्योंकि ऐसा होने के बाद में निगेटिव थाट्स तो आएंगे आएंगे, वो तुरंत पॉजिटिव थाट को रिप्लेस करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। और निगेटिव थाट इतने मतलब ऑमनीपोटेंट हो जाएंगे, इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आपको वो निगेटिव थाट करने देंगे नहीं कुछ। फिर आपका ये काम है कि उसको प्रेजेंट होना, करे निगेटिव थाट है, ये विचार आ रहे हैं, ये विचारों से मुझे कुछ नहीं होने वाला। फिर ये विचार आपको एग्ज़ाम के समय आते होंगे कि मैं फेल होऊंगा, मुझे कम मार्क मिलेंगे, असफलता आएंगी, मेरा पूरा बैंड बच जाएगा। धंधे के बारे में निगेटिव थाट होंगे, रिलेशनशिप के बारे में निगेटिव थाट होंगे। ये निगेटिव थाट जब आते हैं और उससे जब आप प्रभावित हो जाते हो, और निगेटिव थाट आना मतलब आपने अपने आप से बातचीत करना, वो समझना कि वो मैं हूँ, उससे प्रभावित होना और वहाँ से एक्शन लेना, वैसा ना करते हुए जो भी है वो निगेटिव थाट है, उससे मैं प्रभावित होऊंगा नहीं, वो जो मेरी भाषा है वो भाषा से मैं प्रभावित होऊंगा नहीं, इसमें अभी मैं क्या कर सकता हूँ, क्या संभव है, मैं भी कौन सी एक्शन ले सकता हूँ, मुझे करना क्या है, अभी मैं कौन सी एक्शन लूँ कि वो एक्शन मेरे गोल के प्रति या गोल के तरफ मुझे लेकर जाएंगी, वो एक्शन मैं करूँगा। ऐसा भाषा का इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो आप सफल होंगे, और नहीं तो फिर आप असफल हो जाएंगे। तो मुझे इतना ही कहना है कि आप भाषा का इस्तेमाल ऐसा करो, इतना अच्छा करो, उसके प्रति प्रेजेंट हो जाओ कि आप हर कदम आपके जीवन में सफलता की तरफ बढ़ते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो।
और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।